प्रयागराज के कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में आज माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का शव भारी सुरक्षा के बीच दफनाया गया। उसके जनाजे में नाना और मौसा सहित कुल 35 करीबी रिश्तेदार शामिल हुए। कब्रिस्तान में अपर आयुक्त आकाश कुलेरी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बाहर पुलिस ने बैरियर लगाया था, उसके आगे मीडिया के लोगों को भी जाने की इजाजत नहीं थी। आसपास के लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई थी। इससे सन्नाटा पसरा रहा, ड्रोन से भी निगरानी की गई। इसका कारण शाइस्ता के आने की संभावना थी। कब्रिस्तान के अंदर पुलिस ने रजिस्टर रखा था, उसमें आईडी सहित नाम लिखकर ही कुछ लोगों को अंदर जाने दिया। इसमें यहाँ पे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स कराए गए हैं सारे। यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, आरएफ को भी बुलाया गया, उसके अलावा पीएससी भी हमारे पास, और आसपास के क्षेत्र को ड्रोन को भी यूज करके हम लोग ने देख रहे हैं। और अभी बॉडी पहुंच चुकी है क्रिमेशन के लिए और प्रक्रिया चल रही है। उनके परिवारजन जो भी आए हुए हैं यहाँ पे वो प्रक्रिया कर रहे हैं, शांति व्यवस्था बनी हुई है। सर, लगभग कितने रिश्तेदार शरीक हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए? मेरे ख्याल से 20 से 25 लोग हैं टोटल कुल मिला करके, और बाकी शांति व्यवस्था पूरी तरह से फैमिली के लोग ही हैं। फैमिली के और जो आसपास के रिश्तेदार हैं। आकाश सर, अंतिम क्षणों में निर्णय लिया गया कि कब्रिस्तान लाया जाएगा, पुश्तैनी घर नहीं लाया जाएगा, महिलाओं का भारी विरोध था, कह रहे थे कम से कम दूर से तो देखने दें। नहीं, मेरे को तो किसी ने बताया नहीं विरोध के बारे में, और इन्हीं के परिवारजन ही बॉडी लेकर के आए। कोई पुलिस के साथ बॉडी नहीं आई है, परिवारजन के साथ ही आई है। तो इनके जो नाना है वो खुद ही आकर के यहाँ पे और अपना सारा सामान लेकर के अंतिम संस्कार कर रहे हैं। गुलाम की बात की जाए तो उनको कहाँ दफनाया जा रहा है? गुलाम को जो है शिवकुटी लेकर के गए, उसी के परिवारजनों के पास। उल्लेखनीय है, पुलिस मुठभेड़ में मारे गए असद की मां शाइस्ता परवीन फरार है और उसके ऊपर 50,000 का इनाम है। बेटे के मोह में उसके सरेंडर करने की संभावना जताई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक अतीक के दो बेटे अली और उमर बाल सुधार गृह में हैं। भाई अशरफ भी जेल में है। बाकी शाइस्ता सहित अन्य नजदीकी परिवारी जन फरार है। Thank you.